सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको रोज़ प्लांट की एक ऐसी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करके दिखाने वाला हूं जिसके कारण आपके जो रोज़ के प्लांट हैं उस पे नए जो शूट्स आते हैं वो कुछ जले जले से दिखाई देते हैं, उनकी जो नई ब्रांचेस हैं वो ग्रो नहीं हो पाती हैं या पत्तियाँ थोड़ी सी मुड़ी हुई आपको दिखाई देती हैं। तो इस तरह का जो कारण है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है थ्रिप्स या एफिड जैसे इन पे इंसेक्ट लग जाते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इन न्यू शूट्स को ख़राब कर देते हैं जिसके कारण हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होती है और अच्छी तरीके से उनमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इन थ्रिप्स या एफिड जैसे कीड़ों को कैसे हटाया जाए और अपने प्लांट को कैसे ग्रोथ करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग की जाए, तो उसके लिए मैं आज ट्रीटमेंट आपको करके दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हैं मेरे जो प्लांट हैं उनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और नए बड्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि मैं उन प्लांट पे इस तरह के ट्रीटमेंट करता रहता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा रोज़ प्लांट जिसको मैंने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के बाद हार्ट प्रून किया था और उसके बाद इनकी ग्रोथ होने लगी और कुछ दिन बाद इनमें कुछ ऐसी ब्रांचेस थी जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि इनके ऊपर थ्रिप्स या एफिड जैसे इंसेक्ट लग जाते हैं जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं इन पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर ग्रोथ नहीं भी हो रही थी मैंने वहाँ पे इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया है जिससे बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट पे ग्रोथ हो रही है और इनमें अब जल्दी फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाएगी। तो इनकी अच्छी ग्रोथ बनी रहे इसके लिए आपको इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रोज़ एक ऐसा प्लांट है जिस पे बहुत सारे डिसीजेज लगते रहते हैं और इनकी अगर केयर ना की जाए तो हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग भी नहीं हो पाती है। रोज़ प्लांट पे इंसेक्टिसाइड के यूज़ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। ये मेरा इंग्लिश रोज़ का प्लांट है जिसको ग्राफ्टिंग प्रोसेस से तैयार किया जाता है और इसमें जो आपको मिट्टी के अंदर से नई ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं ये सारी ब्रांचेस जंगली ब्रांचेस हैं, तो इनको आपको ग्रोथ नहीं करने देना है, इनको आपको तोड़ के हटा देना है। जॉइंट के पोर्शन के नीचे से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं या ज़मीन के अंदर से निकलती हैं या मिट्टी के अंदर से, उनको आपको तोड़ के हटा देना है और जॉइंट के पास से निकलने वाली जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो सारी फ्लावरिंग वाली हेल्दी ब्रांच होती हैं, तो उनको ग्रो होने देना है। तो चलिए अब मैं प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए इंसेक्टिसाइड के यूज़ पे बात करता हूँ। तो इसके लिए मैं इमीडा क्लोरोप्रिट नाम की एक इंसेक्टिसाइड मिलती है, आप इसको ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। आपको ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जैसे कोई भी साइट पे अगर ये मिल जाए आप देख लीजिए, दोनों जगह रेट इनके डिफरेंस मिल जाते हैं। जहां आपको सस्ते मिल जाए वहां से आप बाई कर लीजिए। आप सीड स्टोर या कहीं भी आपके इंसेक्टिसाइड स्टोर हो आप वहां से भी बाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑनलाइन बाई किया है और इसका अगर एक्चुअल कॉस्ट आप देखें तो लगभग 870 रुपये इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे 412 रुपये की मिली है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बाई किया है। आप दोनों जगह कहीं भी जहां भी ऑनलाइन ले रहे हो तो इनके प्राइस के डिफरेंस ज़रूर से देखिए, तभी आप वहाँ से बाई कीजिए। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको जहाँ से ये अच्छे से मिल जाए आसानी से मिल जाए आप वहाँ से बाई कर लीजिए। तो ये जो इंसेक्टिसाइड है 100 ml है और इसका यूज़ चलिए अब हम करते हैं। तो इसका यूज़ बहुत ही आपको केयरफुली करना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धो जरूर लीजिएगा। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में लगभग 1.5 से 2 ml इसको लेना है, यानी आप इसकी लगभग 7 से 8 बूंदें ले लीजिए और फिर इसे पानी में अच्छे से मिलाने के बाद आप स्प्रेयर की सहायता से इसे प्लांट पे बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और जो पोर्शन इसका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका स्प्रे करिए। और ये काम आपको वीक में 2 बार करना है जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करके फ्लावरिंग करने लगेगा। इमीडा इंसेक्टिसाइड का यूज़ आप अदर प्लांट पर भी कर सकते हैं, अगर आपके अदर प्लांट पर भी थ्रिप्स या एफिड जैसे इंसेक्ट का अटैक हो रहा है। तो मैं आपको अपने अदर रोज़ प्लांट के ब्रांचेस भी दिखाता हूँ जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इसी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है।
देख सकते हैं आप, ये काफ़ी सारे जो सूट्स हैं, सारी सूट्स बहुत ही अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही हैं और बहुत ही अच्छे से मेरा प्लांट जो है फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो इन पे आपको जल्दी जल्दी कलियां मिलेंगी, ज़्यादा ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे। तो अपने प्लांट को आप इसी तरह से केयर करिए, और अपने प्लांट पे अगर आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप अपने प्लांट पे मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में ही स्प्रे करिए, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है इनके फूड बनाने का टाइम होता है, और लीफ पे अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो इन पे आपको इसका बैड इफ़ेक्ट दिख सकता है। तो आप कोशिश करिए मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में ही अपने प्लांट पे स्प्रे करिए, जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और मेरी प्लांट की तरह आपके प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी होगी, उनमें फ्लावरिंग अच्छी होगी, उनमें बहुत सारी सूट्स आएंगे और बहुत सारे जल्दी जल्दी कलियां आएंगी, आपको फ्लावर भी अच्छे से मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और बहुत ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होती है। तो मैंने रोज़ प्लांट पे और भी वीडियो दे रखी है कि इनको हम किस तरह का फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कब देना चाहिए, और इनकी कटिंग कैसे करनी चाहिए, हार्ड प्रूनिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो अलग से दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस के लिंक मैं दे दूंगा, आप ज़रूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।